गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन नंबर 4, नाउ लेट अस गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, हाउ द फॉलोइंग आइटम फॉर द ईयर इन द 31st मार्च 2018 विल बी प्रेजेंटेड इन द फाइनल अकाउंट. दैट मीन्स वट यू हैव टू मेक फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट मीन्स बैलेंस शीट. यू हैव टू शो द बैलेंस शीट. ओके, इट्स अ सेम एज यू हैड सॉल्व इन क्वेश्चन नंबर 4 और 5. So tournament fund, you know very well that where you have to post tournament fund. Tournament fund will be posted to the, sorry class, liability, in a liability side as a capital. Next it is given tournament fund investment. You know very well that we have to transfer it in a asset side. Then income from tournament fund investment. Income from tournament. Tournament fund से आपको जो income मिली है, जो आपने investment किया है, उससे जो income मिली है, वो आप क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं किस में? लायबिलिटी साइड में जाके कैपिटल फंड जो बना रहा है, टूर्नामेंट वाला फंड जो है, कैपिटल फंड बना रहा है, उसी में हम ले जाके क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं. इज इट क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट देखो, ये है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस. टूर्नामेंट एक्सपेंसेस क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं. क्लियर है क्लास यहाँ तक? अब देखो, एक नया जो इसमें न्यू थिंग्स आया है वो है इसका एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट क्या कह रहा है? इंटरेस्ट एक्रूड और ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट एज अ 6,000. यहाँ पे क्या हुआ है? 6,000 का, यहाँ ये 6,000 जो है वो आपका क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट है, एक्रूड इनकम है. ध्यान देना हाँ स्टूडेंट, एक्रूड इनकम. अगर मान लो ये एक्रूड के जगह पे रिसीव्ड लिखा होता, एक्रूड की जगह पे रिसीव्ड लिखा होता, इनकम रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो आप इसे क्या करते? एक तो आप जो टूर्नामेंट फंड है लायबिलिटी साइड में उसमें प्लस कर देते, क्योंकि अभी तक आप यही करते आए हैं. जैसे यहाँ यहाँ देखा दिया हुआ है ना, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड. इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड दिया था तो आप इसको प्लस कर लेते थे लायबिलिटी से, क्योंकि ये अंदर था, बॉक्स के अंदर था, इसलिए उसकी एक एंट्री जाती थी. ये बॉक्स के बाहर, इसलिए इसकी कितनी एंट्री जाएगी? 2 एंट्रीज जाएगी. आपने क्लास 11th में देखा है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन, दैट मीन जो भी एडजस्टमेंट दिया रहता है उसकी 2 एंट्रीज जाती है, डबल एंट्री होता है. तो यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट एक्रूड. अभी मैं एक्रूड को हटा के मान लो रिसीव्ड लिखते हैं, ठीक, उस वे पे लेके चलती हूँ तब समझ में आएगा. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट होता तो आप क्या करते? एक तो ले जाके प्लस करते. कहाँ प्लस करते? लायबिलिटी में, टूर्नामेंट फंड में ले जाके आप प्लस कर देते. ये इसकी एक एंट्री हो जाती है. दूसरी एंट्री कहाँ ले जाते? दूसरी एंट्री आप इनकम में लेके जाते, रिसिप्ट में या इनकम में? इनकम में लेके जाते, है ना, आपके इनकम का वो एक सोर्स है, है कि नहीं है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड. दूसरा आप कहाँ ले जाते? इनकम, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम तरफ लेके जाते, क्योंकि ये आपके इनकम का सोर्स है. 6,000 रुपीस आपका इनकम हुआ. एक कहाँ ले जाते? जैसे आप इसको ले जाते हैं ना लायबिलिटी साइड में, कैपिटल फंड में प्लस कर देते हैं, इसी तरह से एक एंट्री तो सेम जाएगी लायबिलिटी साइड में, जहाँ टूर्नामेंट फंड लिखा हुआ है उसी में जाके प्लस हो जाएगी. दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? इनकम में. लेकिन ये तब होता जब आपको ये रिसीव होता, लेकिन यहां तो रिसीव्ड हुआ नहीं है. यहां क्या कह रहा है? एक्रूड है. एक्रूड मतलब आपके नाम का हो गया लेकिन आपको अभी तक मिला नहीं है वो इंटरेस्ट. जैसे कि कंपनी ने कह दिया कि भाई सबको 20% इंटरेस्ट दे दीजिए, तो ये तो क्लियर हो गया कि आपको 20% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अभी तक वो आपके पास पहुंचा नहीं है, वो पैसे आपके पास पहुंचे नहीं है, है ना, तो वो एक्रूड हो गया. एक्रूड मतलब आपके नाम का हो गया है लेकिन आपके पास नहीं पहुंचा, और जब तक आपके पास वो पहुंचेगा नहीं तब तक हम उसको इनकम में काउंट नहीं कर सकते. तो जब ये एक्रूड लिखा होगा, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड, तो पहली एंट्री तो यही जाएगी. दूसरी एंट्री हम एक्रूड इनकम कहाँ ले जाते थे, कुछ याद है? हाँ, एक्रूड इनकम हम ले जाते थे बैलेंस शीट में, एसेट साइड. तो इसकी दो एंट्री कहाँ जाएगी? इसकी एक एंट्री जाएगी लायबिलिटी साइड में और दूसरी एंट्री जाएगी एसेट साइड में. दोनों एंट्री इसकी बैलेंस शीट में ही जा रही है. क्यों? क्योंकि ये एक्रूड लिखा हुआ है, मतलब आपके नाम का हो गया है लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है. तो आपके लिए वो एसेट्स तो हो गया है लेकिन आपके हाथ में नहीं आया है. जब आपके हाथ में आता, अगर यहाँ लिखा होता इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो आप ले जाते उसे एक तो लायबिलिटी में, टूर्नामेंट फंड में ले जाके प्लस कर देते, क्योंकि टूर्नामेंट फंड और बढ़ गया 6,000 से, और दूसरा आप उसको इनकम में ऐड कर लेते. क्लियर हो गया? सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन.